तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय स्केचबुक टूर वीडियो। ये स्केचबुक मैंने इसी साल जनवरी में ली थी और इसे मैंने जून में फिनिश कर लिया है, कुछ अच्छे और बुरे स्केचेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्केच है फ्रेंड्स, इनमें से ऑलमोस्ट सारे रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट से लिए हुए हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इस पर लिपस्टिक अप्लाई करके इसे ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम फ्रेसेस ड्रॉ किए आई के साथ। इस पेपर पे मैंने लिप्स और आई ड्रॉ किए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि लिपस्टिक अप्लाई करके ही कैसा लगता है। नेक्स्ट स्केच मैंने विंटर्स को ध्यान में रख के ड्रॉ किया। मैंने इसका मफलर भी बहुत डिटेलिंग के साथ ड्रॉ किया, क्रॉस हैचिंग से डार्क एरियाज़ में वैल्यू ऐड की। फ्रेंड्स, इस स्केचबुक को मैंने कंटिन्यूसली ड्राइंग करके फिल किया है और इसमें आप मेरी कंटिन्यूस प्रोग्रेस देख सकते हैं। सो कीप ड्राइंग, कीप क्रिएटिंग। ये मेरा सेकेंड विंटर से इंस्पायर स्केच है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने डार्क लाइंस का बहुत ही अच्छा यूज़ किया था। फ्रेंड्स, आई लव ड्राइंग हेड्स, तो मैं अलग अलग तरह के रेफरेंसेस लेकर ड्राइंग करती रहती हूँ। इस स्केच को मैंने ज़्यादा टाइम लेकर नहीं बनाया था, तो रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, और ये स्केच भी कुछ ऐसा ही था। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर स्केच एक जैसा बने। अगर जो कोई स्केच ख़राब बनता है तो नेक्स्ट स्केच को स्टार्ट करना चाहिए। मैं इस तरह से अलग से लिप्स आईज़ ड्रॉ करती रहती हूँ। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि नॉर्मली हेड ड्रॉ करने से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ मैंने एक नोन फेस ड्रॉ किया, ये बहुत ही अच्छा ड्रॉ हुआ था। फ्रेंड्स, कुछ स्केच सिर्फ स्केच नहीं होते, इस स्केच ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। इस स्केच में मैंने हेयर्स को बहुत ही डार्क ड्रॉ किया और बहुत ही डिटेलिंग के साथ ड्रॉ किया। इस स्केच में आई बहुत ही अच्छी ड्रॉ हुई थी, इसका ओवरऑल लुक मुझे बहुत ही पसंद है। इस स्केच में जो हेयर्स ड्रॉ हुए हैं, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने इंडियन फेस ड्रॉ किया है और सच में बहुत ही सुंदर ही ड्रॉ हुआ है। इसमें आईज़ बहुत ही रियल लग रही हैं, और आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन फिक्सर स्प्रे करने के बाद भी हल्का ग्रेफाइट ड्राइंग में फैल गया है और कुछ स्केचेस इसकी वजह से थोड़े अजीब दिख रहे हैं। और ये आई ड्राइंग मेरी फेवरेट आई ड्राइंग है, क्योंकि इसमें आई बहुत ही रियल लग रही है और दूसरी साइड कलर्ड आई ड्राइंग की है, एंड आई लव द वे इट टर्न्स आउट। और ये एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था ड्राइंग करने के लिए। मुझे इस तरह के रेफरेंस बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। मुझे ब्लैक पीपल्स के फेस फीचर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनके हेयर्स भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं, एंड आई लव टू ड्रॉ देम। इन एवरी स्केच आई डिड माई बेस्ट, एंड आई लव हाउ कंसिस्टेंट, डिवोटेड एंड क्रिएटिव आई एम। फ्रेंड्स, स्केच कैसा भी बने, आप खुद को थैंक्स बोलना कभी मत भूलिए। मुझे स्केच के साइड में इस तरह से मेरे थॉट्स लिखना पसंद है, तो आपको मेरे और भी स्केचेस में ये देखने को मिल सकता है। मुझे ये स्केच भी बहुत पसंद है, ये मैंने 10B पेंसिल से ड्रॉ किया था। इस पेपर पे मैंने साइड टेप लगाया था, लेकिन निकालने पर पेपर भी ख़राब हो गया। यहाँ पर मैंने एक एंगल्ड फेस ड्रॉ किया है और ये वन ऑफ माई फेवरेट स्केच है। ये कुछ स्केचेस है जो मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर ड्रॉ किए हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फेस स्ट्रक्चर याद रखने के लिए अक्सर मैं ऐसी एक्सरसाइज करती रहती हूँ। इस स्केच में मैंने अपने न्यू पेंसिल कलर्स का स्प्रेड किया, स्किन कलर बनाया और कलर्स को मिक्स मैच करके देखा कि कैसे साथ में ये लगते हैं। ये स्केच भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैंने स्कार्फ को डिटेलिंग के साथ ड्रॉ किया था। एंड वाओ, इस स्केच में मैंने हाइलाइट्स का बहुत ही अच्छा यूज़ किया था और शेडोज़ को बहुत ही डार्क ड्रॉ करके अट्रैक्टिव लुक क्रिएट किया था। ये मेरा फेवरेट स्केच था और ये भी मेरा एक फेवरेट स्केच है, एंड आई एम इन लव विद दिस स्केच। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अच्छा खासा टाइम देकर डिटेल्स को लेयर वाइज ड्रॉ किया था, एंड आई लव द रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे कौन कौन से स्केच बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ एक स्केचेस की वीडियो आप इस चैनल पर पहले ही देख चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्केच है, ये साउथ के एक्टर महेश बाबू का ड्राइंग है, और इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद मुझे आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
ये लीजा का स्केच है और आई लव द वे इट टर्न्स आउट। ये भी मेरा एक फेवरेट स्केच है। इसमें शेड्स को मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्केच है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसमें हाइलाइट्स और रिफ्लेक्टिंग लाइट का बहुत ही अच्छा यूज़ किया ड्राइंग को एक रियल लुक देने के लिए। और ये एक मेरा मोस्ट फेवरेट स्केच है, मुझे लगता है इसमें मैंने हेयर्स को परफेक्टली ड्रॉ किया है। ये स्केच मैंने ग्रेफाइट और कलर पेंसिल दोनों में बनाया है और मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं। और ये पेज खासकर मुझे बहुत ही पसंद है। और इस स्केच के साथ ये स्केचबुक टूर भी ख़त्म होता है। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये टूर कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।